गलती हो गई यार माही, माफ कर दे यार। चोगी, मुझे मेरी दोस्त वापस दे दे यार। मैंने पट्टी कर दी है लेकिन घाव काफी गहरा है। पर डॉक्टर साहब, ये बेहोश कैसे हो गया? अंदरूनी चोट है ना, शायद इसीलिए। देखिए, काफी देर तक दर्द सहन करता रहा, इसीलिए शायद बेहोश हो गया है। फिर भी जब तक रिपोर्ट्स नहीं आ जाती मैं श्योरली कुछ नहीं कह सकता। एक मिनट, एक्सक्यूज मी। ये सब ना तेरी वजह से हुआ है। तो कुछ बोल नहीं सकता था क्या? पीजी, आई एम रियली सॉरी। बस करो, पंकज की कोई गलती नहीं है। गलती आप सबकी है पीजी, पर ये वक्त कोई गुस्सा करने का नहीं है। बस मेरी जोगी की जान बच जाए, जोगी ठीक हो जाए। देखिए, लैब से रिपोर्ट आ गई है। देखिए, हीमोग्लोबिन काफी कम हो गया है। ये बहुत अच्छी खबर नहीं है। और ऐसी हालत में ये जल्दी ठीक नहीं हो पाएगा। और हाँ, सिर्फ दवा से काम नहीं चलेगा, इसे खून भी चढ़ाना पड़ेगा। खून? एक तो हीमोग्लोबिन कम है और काफी खून बह चुका है, जिसकी वजह से इसको अनेमिया हो गया है। इसकी जान को खतरा है। नहीं डॉक्टर साहब, आप मेरा खून ले लो। अरे मेरा ले लो, जितनी बाल्टी निकाल ले निकाल लो, मेरा सारा खून निकाल लो। देखिए विष्णु जी, आप इस उम्र में दूसरों को खून नहीं दे सकती। और रूपा जी, मैंने आपकी ब्लड सैंपल्स रिपोर्ट देखी है, आपका ब्लड ग्रुप जोगी के ब्लड ग्रुप से मैच नहीं कर रहा है। कुछ भी करो डॉक्टर साहब, कुछ भी करो मेरा जोगी। ऐसा कई बार होता है, बच्चों का खून माँ बाप के खून से मैच नहीं करता है। इनका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है और आपका ए पॉजिटिव। वैसे यहाँ कोई बी पॉजिटिव ग्रुप का है? आप जोगी की क्या लगती है? के बीवी है जोगी की, ये भी तो खून दे सकती है ना? हाँ, मैं ब्लड टेस्ट कर लेता हूँ फिर बताता हूँ। जी डॉक्टर साहब, आप मेरा भी सैंपल ले लीजिए ना। चलिए चलिए।
पप्पू जी, आप कितने डैशिंग लग रहे हो गॉगलों में। आप ना बस ऐसे ही रहा करो, आपकी ना पर्सनालिटी निकल के आती है। हाँ जीजू, बिल्कुल यंग एंड हैंडसम नेता की तरह दिख रहे हो। देखो भाई, आपके मुंह में घी शक्कर नहीं, ये थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया। आपके मुंह में शुगर एंड क्रीम। ये लीजिए पप्पू जी। ये क्या है? मिसेस अंबर सर की तैयारी का सामान। ओ छड़ो जी, आप इस कॉन्टेस्ट को जीतने की तैयारी करो, लड़ने की नहीं। अगर मैं नेता हूं तो आप मेरी हाई कमांड हो। शालू तो नजर ना लगे। मोटो जी, मिसेस अंबर सर का जो ताज है वो भी आपके सर पे होगा, और 10 लाख भी। 10 लाख पप्पू जी, पर इनाम तो 5 लाख का ही है। हाय, आपके इस भोलेपन ने ना मेरी किसी जान ले लेनी है भाई। 5 लाख से आपके चेहरे पे सिर्फ खुशी आएगी, तो बाकी के 5 लाख मैं दूंगा, जिससे आपके चेहरे पे डबल खुशी आ जाएगी। पप्पू जी, वो मैं पूछ रही थी कि रेनू। व्हाई नॉट रेनू, तुम रुक जाओ। आपकी फैमिली मेरी फैमिली, हमारा घर उनका घर। रेनू, जब तक तुम्हारा मन करे तुम यहां पे रुक जाओ। एंड दैट रिमाइंड्स मी कि क्यों ना मम्मी पापा को भी यहां बुला लें। उस घर को तो न जाने किसी की नजर सी लग गई, जब देखो कोई ना कोई कांड होता रहता है। तो बेटर है कि सब लोग एक साथ रहें, प्यार से रहें, मिलजुल कर रहें, एक हैप्पी फैमिली की तरह। हाय दीदी, आपने ना जरूर पिछले जन्म में कोई पुण्य किया होगा जो आपको ऐसा फल मिला, ऐसा पति मिला। बस इसी बात का तो मान है मुझे कि मैं इनकी वाइफ हूँ, मिसेस पप्पू। रिपोर्ट्स आ गई। हाँ, क्या आया रिपोर्ट में? देखिए, जिसका ब्लड ग्रुप इससे मैच करता है वो माही है। माही देगी ना खून, बीवी है मेरे पुत्र की। माही, मना तो नहीं करेगी ना? कैसी बातें कर रहे हो आप जितना खून चाहिए ना आप उतना ले लो, हॉस्पिटल चले। नहीं नहीं, देखिए कोविड की वजह से हॉस्पिटल में एक भी बेड खाली नहीं है, इसलिए जो कुछ भी करना है यही करना होगा। सब ठीक होगा, चलिए आ जाइए, मैं तैयारी करता हूँ। आइए। ओके, तेरी मेरी एक जिंदगी। कितनी बुरी तरह से चोट लगी है, इसे तो दर्द से तड़पना चाहिए। ये इतना शांत कैसे?
ऐसा तभी होता है जब पेशेंट के दिलो दिमाग में पहले से कोई पुराना दर्द छुपा हो और नया दर्द कोई असर नहीं करता। मुझे मेरी दोस्त वापस दे दे यार। ड्राइवर ने जी की होया ड्राइवर ने बोला बुरा लग गया मैं क्या थैंक यू ड्राइवर ने जी देख जब तक तू माफ नहीं करेगी ना मैंने यहां से नहीं जाना कुछ भी हो जाए चाहे कान पकड़ के माफी मांग रहा हूं कर देना माफ myself my उनसे दोस्ती करोगे बंदा टूट देगा दोस्ती नहीं टूटने देगा हक बनता है मेरा अगर कोई मेरी पत्नी को दुख पहुंचाएगा तो उसे चुप कराने का मेरा हक बनता है से भी ज्यादा कौन है आ जाओ आंगन में बैठी हूं रद्दी वाला होगा और ये तो रद्दी वाला नहीं रद्दी आप चल के आई है ओए रूपा ये अपनी जो गुंडा गर्दी है ना ये किसी और को जाके दिखाइयो मेरे को तो तू देख ही रही है तू तेरी वो बीजी और तेरा वो गुंडा पुत्र जोगी और तीनों के ऊपर अगर चौकड़ी मार के ढप करके बैठ गई ना तो कचुंबर निकल जाना तुम तीनों का सारा सांव उत्ते दौते और थल्ले का थल्ले रह जाएगा आनी तो ये चक्कू देख रही है ना मेरे हाथ में ये सिर्फ सब्जी काटने के काम नहीं आता सीमा तरमपाल चोपड़ा के एक इशारे पे ना बंदे काट देता है सामजी खून खराबा करना ना तुम चोपड़ा और सैगलों के खून में होगा और गुंडागर्दी का इल्जाम तुम हम पे लगा रही हो सुबह सुबह ना मेरा दिमाग खराब मत कर बच्चे अंदर सो रहे हैं उठ जाएंगे तेरे जवाई ने मेरे पुत्र की टांग तोड़ दी और मैं उनकी नींद की परवाह करूं कुछ भी बोलने जा रही है मेरे पप्पू जी ना राजा है राजा वो कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर सकते राजा चुड़ैल है तेरा पप्पू चुड़ैल और गुंडों का राजा है वो गुंडों का क्यों गुंडों का भी ना कोई दीनमान होता है सामने से वार करते हैं वो और तेरा पप्पू छुप छुप के पीछे से वार करता है वो गंदी नाली का कॉकरोच है वो वायरस और वायरस की तो फिर भी दवाई निकल आती है और तेरे पप्पू का तो कोई इलाज ही नहीं है चुप हो जा बिल्कुल है? जिस बंदे की लोग पूजा करते हैं तो उसी की बुराई कर रही है और वो भी मेरे सामने हाय रब्बा सीमा दिन में आंखें बंद कर लेने से ना रात नहीं हो जाती क्या पर्दा डाल रखा तूने अपनी आंखों पे
पप्पू के पैसे के सामने इतनी अंधी हो गई है तू, तुझे उसकी कोई बुराई नजर ही नहीं आती। एक गलती साफ हो गई आज, तुम्हारे पूरे परिवार में ना अगर कोई इंसान है जिसे सही और गलत की पहचान है ना, और वो है सिर्फ माँ। ओए बिल्कुल चुप, अभी तक तो मैं हवाई बातें कर रही थी, लेकिन अगर अब तूने माही का नाम एक बार और ले लिया ना, तो माता रानी दी सो ये चक्कू चल जाएगा मेरे हाथ से आज। मैं भी एक माँ हूँ सीमा, और तुझ पे क्या बीत रही है ना मैं चंगी तरह देख भी रही हूँ और समझ भी रही हूँ, और शायद जो तू नहीं समझ पा रही ना वो ये कि तू माही को अभी भी कितना प्यार करती है ना, तभी तो इतना गुस्सा भरा तेरे अंदर, क्योंकि जिनको हम प्यार करते हैं नाराज भी मुनि से होते हैं, और जैसी नाराजगी तेरी माही से है ना, मेरी भी किसी से ऐसी बहुत नाराजगी, और पता वो कौन है? मेरा पुत्र जोगी, क्योंकि मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ और उसी पे वार किया तेरे पप्पू ने, उसके साथ गलत करने वाले के ना हाथ काट के रख दूं मैं, पर सिर्फ और सिर्फ माही की वजह से चुप हूं मैं। हीरा ओ कुड़ी सीमा, हीरा। पता है मुझे, तुझे लग रहा है ना कि तेरे घर की सारी मुसीबतों की जड़ वो कुड़ी है, पर भूल मत कि तेरे घर की मुसीबतें दूर करने वाली भी ना वही कुड़ी है, तुझे और तेरे जवाई को बचाने वाली वो कुड़ी, और मेरे पुत्र जोगी को बचाने वाली वही कुड़ी है। आया था तेरा पप्पू मेरे घर, मेरे पुत्र को लहू लुहान करके गया, शुक्र कर तेरी कुड़ी माही ने खून देके बचा लिया मेरे पुत्र नु, नहीं तो अगर मेरे पुत्र को कुछ हो जाता ना तो तेरे नागिन जवाई का सर तो धड़ से अलग होता। चुप कर रूपा, झूठ मत बोल। झूठ बोलना मेरा काम नहीं है सीमा, तेरे लाडले जवाई का है। और एक गल और सुन ले, आज तेरा जवाई जिंदा है ना तो सिर्फ और सिर्फ माही की वजह से, क्योंकि अगर उसे कुछ हो गया ना तो माही की बहन विधवा हो जाएगी, और मैं उस कुड़ी को ना दुख नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि मेरे पुत्र को खून देके उसने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान कर दिया है, और तेरे जवाई को छोड़ के उसी एहसान का बदला चुका रही हूं। मेरे पप्पू जी ऐसा कभी नहीं कर सकते, वो चौकी को क्यों पिटवाएंगे? क्यों, पहली बार थोड़ी कितना है, जेल में भी तो पिटवाया था ना मेरे पुत्र को, भूल गई तू? देख सीमा, तेरा लाडला जवाई है, तेरी बात सुनता है वो, समझा उसे मेरे घर से दूर रहे, अगली बार अगर मेरे परिवार को डंक मारने की कोशिश भी की ना उसने, तो उसका वो हाल करूंगी ना मैं कि उसे ना तो तू पहचान पाएगी और ना ही उसकी बीवी। अनार का जूस पी ले, वो खून दिया ना तूने, कमजोरी आ गई होगी। थैंक यू। वैसे तूने मेरे पुत्र के लिए जो भी किया मैं कभी भूलूंगी नहीं, पर ये मत सोचना माही कि तेरे मेरे बीच की टसल खत्म हो गई है। एक माँ हूं, अपने बच्चे को बचाने के लिए ना माँ किसी भी हद तक जाती है, चाहे दुश्मन के आगे गिड़गिड़ाना क्यों ना पड़े। मैंने भी बस वही किया है। दुश्मन? हाँ, तो आज तेरे जीजे ने मेरे पुत्र का जो हाल किया है ना वो तेरी वजह से, तो तू तो दुश्मन ही हुई ना। औरों का छोड़ो, चोगी को बोलो कि अपना दुश्मन बनना बंद कर दे, ऐसे बार बार मुसीबत में नहीं पड़ेगा। पर मेरे बेटे की ये हालत तो तेरे जीजे की वजह से हुई है ना। आप सही कह रहे हो,
ये मेरे परिवार का मामला है और पप्पू जीजू से मिलकर इस मामले को अब मैं खत्म करूंगी। अब चौकी का बदला मां ही लेगी।